रहने दो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी तुम तो मेरी हर छोटी छोटी बात पे मुझे टोकते रहते हो। ठीक है, आपको नहीं बताना ना बताएं। आप ये बताएं कि किस काम के लिए आपने मुझे बुलाया था यहाँ पे। मुझे लगता है कोई काम नहीं है, मैं चलता हूँ। नहीं फराज रुको, मैंने हार श्रृंगार तुम्हारे लिए किया फराज। तुम्हारे बारे में सोचते हो तो देखो बेटा, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की शादी कोई खास अच्छे हालात में नहीं हुई, बल्कि तकरीबन जबरदस्ती हुई। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत मोहब्बत शायद नहीं हुई, मगर वो मुझे पसंद तो जरूर करते होंगे। मुझे कई बार इस बात का एहसास भी दिलाया है उन्होंने, फिर एक दफा मुझे उन्होंने गजरे भी दिलाए थे। बस हमारे दरमियान इख्तलाफात डालने वाले बहुत हैं। देखो बेटा, मर्द को अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत नहीं बनाया। कान का भी कच्चा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में औरत को अल्लाह ने बहुत ताकतवर बनाया है, और बीवी के रूप में तो और भी ज्यादा मजबूत। तुम बस अपने शौहर के दिल में जगह बनाओ। जब औरत एक दफा शौहर के दिल में जगह बना लेती है ना, तो उसे दुनिया की किसी जगह से नहीं निकाला जा सकता। बस तुम अपनी आंखें खुली रखो और साबित कदम रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।